अभी हम लोगों ने लिया है इडली और इसे टेस्ट करके बताएंगे सब क्या कैसा है। चाहिए 20 रुपए के हिसाब से तो चाहिए, टेस्ट अच्छा। तो इसका टेस्ट अच्छा, आप लोग वाराणसी आओ तो आप बाहर से खा सकते हो। हम लोग बनारस स्टेशन के फूड काउंटर पे, यहाँ पे देखते हैं कुछ ट्राई करते हैं खाने का। तो अभी आपको मेन्यू दिखा दूँ, यहाँ पर मेन्यू समोसे दिए हैं, तो एक समोसा ट्राई करते हैं यहाँ का। बहुत ज़्यादा क्राउड है महानगरी, यू कैन सी एट वाराणसी जंक्शन महानगरी। अंदर भी लड़ाई चल रही है। गाली गलौज हो रही है। सभ्या भाई हमारे परेशान हो गए, देखो परेशानी में। क्राउड देखो भैया, क्राउड देखो पूरा। चल चल भाई, मैंने सुना था पूर्वा एक्सप्रेस में ऐसा हाल होता है, पर ये तो पूर्वा एक्सप्रेस से भी बुरा हाल है महानगरी में। ट्रेन का अराइवल भी हो गया है। आप देख सकते हैं मैसूर वाराणसी, मैसूर से वाराणसी जाने वाली गाड़ी। भीड़ कम नहीं हो रही, बढ़े जा रही है, मतलब बढ़े ही जा रही है। हमारी विंडो सीट है, थोड़ा सा सुकून मिलेगा। सभ्या भाई तो भैया देख सकते हो कहाँ पे है।
इसमें ट्रेन हमारी डिपार्ट कर रही है वाराणसी जंक्शन से। ऑन टाइम 10 AM पे वाराणसी से ही इतने सारे लोग ऑन बोर्ड हुए हैं। पैसेंजर आर ट्रैवलिंग विदाउट टिकट्स नहीं है बट इनको CSMT तक जाना है, मतलब इससे दूर का सफ़र विदाउट टिकट। एंड पूरी तरीके से कोच भर चुका है इसकी स्टार्टिंग नहीं, आगे के नेक्स्ट डेट में क्या होगा तो देखेंगे। बट सिचुएशन ये हो चुकी है कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ और सभ्या सामने बैठे हैं, हम लोग एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं। एंड जिनके पास टिकट है वो भी इस ट्रेन में ऑन बोर्ड नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज यू नो डोर्स आर टोटली चोक्ड हो चुके हैं, पूरे मतलब बंद कर दिए गए हैं, लोगों को चढ़ने नहीं दिया जा रहा, लोग उतर अपने डेस्टिनेशन को उतर भी नहीं पा रहे हैं। नाउ इट्स टाइम महानगरी एक्सप्रेस के से अपने सेकेंड होल्ड पे अराइवल लेने का, जो कि है चुनार जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है CAR। इसके नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करें तो 5 हैं और ये हमारे मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, स्टेट उत्तर प्रदेश। इसे ओपन किया गया था 1864 में और इलेक्ट्रीफाइड किया गया था 1965 आफ्टर 101 ईयर के बाद, सो ये टोटली इलेक्ट्रीफाइड है। तो इसके अराइवल को एंजॉय करते हैं। A few minutes later. तो 10 मिनट का होल्ट लेने के बाद हमारे ट्रेन का डिपार्चर चुनार जंक्शन से हो गया है। तो चलिए इस चुनार जंक्शन के डिपार्चर को देखते हैं, आपको थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। और हियर यू कैन सी गाइस ह्यूज क्राउड इज वेटिंग फॉर अवर ट्रेन, सो नाउ अवर ट्रेन इज गोइंग टू बी फुल्ली पैक्ड होके हमारी CSMT जाएगी। तो चलिए देखते कितने लोग हमारी ट्रेन में भरते हैं और कितने लोगों को जगह मिल पाती है। जगह मिलना ही मुश्किल है, पूरी भर चुकी है। 2S में ये हाल है, स्लीपर में भी यही हाल होगा।
बैग लटका दिया है एंड सब लड़ लड़ के जा रहे हैं। अरे बड़े ना ये यार आगे बढ़ो आगे जैसे पीछे बड़ा बने पूरा बन चुका हमारा काम रहा। तो गाइस अब हमारी ट्रेन अपने फिफ्थ हॉल्ट पर 40 मिनट देरी से पहुंच चुकी है जो कि है प्रयागराज छिबी जंक्शन। आप देख सकते हैं एंड इसे जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां से हावड़ा टू दिल्ली जबलपुर एंड मुंबई लाइंस चलते हैं। यह नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन में आता है और यह अलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में ही है और यहाँ का स्टेशन कोड है PCOI। I'm just sitting here
हमारी ट्रेन अपने सिफ्ट हॉल्ट से डिपार्ट हो रही है जो कि है मनकपुर जंक्शन। सो मनकपुर जंक्शन के डिपार्ट्स को एंजॉय करते हैं एंड नेक्स्ट स्टेशन पर मिलते हैं। जनरल डिब्बा सही दिख रहा है भाई आज, भाई देख सकते हैं आप लोग कितना क्राउड हो रहा है। लोग गाड़ी का हाल देख सकते हो, पूरी तरीके से भर चुकी है। यहाँ पे कोई भी एक वे नहीं है कि हम लोग बाहर जाके कुछ लेके आ सके, इवन वाटर बॉटल्स भी हम नहीं मिल पा रही है यहाँ पे। देखते हैं कोई वेंडर्स आते हैं तो वाटर बॉटल हम लोग खरीदेंगे फ्रॉम द विंडो ओनली। अगर कुछ खाने का सामान भी आता है तो विंडो से ही होगा सब कुछ। करते हैं सतना के समोसे। गरम है। सो थोड़ी देर में हमारी ट्रेन का अराइवल कटनी जंक्शन पर होने वाला है, बट हमारी ट्रेन 1 आवर डिले चल रही है। हम लोग की जर्नी जबलपुर तक होने वाली थी, बट हम
तो अपने प्लान को यहाँ पे ड्रॉप कर रहे हैं। हम लोग कटनी जंक्शन पे ही डिवोट करेंगे महानगरी से, बिकॉज हमें दूसरी ट्रेन में ऑनबोर्ड करना था जबलपुर से। लकीली उस ट्रेन का हॉल्ट हमारा कटनी जंक्शन पे होता है, इसलिए हम लोग कटनी जंक्शन पे यहाँ से डिवोट करते हैं। और जो ट्रेन है चित्रकूट एक्सप्रेस, उसमें हम लोग कटनी जंक्शन से ऑनबोर्ड करेंगे। सो यहाँ चित्रकूट का भी ब्लॉग हमने अपने चैनल पर डाला है, वो भी आप लोग देख सकते हैं। अभी हम लोग कटनी जंक्शन के बाहर हैं, आप लोग बाहर का व्यू देख ही सकते हैं। और यहाँ पर एक मंदिर भी है जो कि बहुत ही सुंदर है, अगर आप लोग भी आते हैं तो इस मंदिर के दर्शन जरूर करिए। तो गाइस आज की जर्नी हमारी यहीं तक की थी, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड